जिस दिन भी अनाउंसमेंट हुई है मुख्यमंत्री के चेहरे दी, जिते भी मैं जाना है लोग इस तरह होंगे जिस तरह मेले में चले होंगे, बहुत जोश पूरे पंजाब देखने को मिल रहा है। तो दूसरे पासे आम आदमी ते अकाली दल के प्रोग्राम लोग इस तरह जा रहे हैं जिस तरह भोग पर चले होंगे। बीबी रजिंदर कौर पठण जी मेरे वास्ते एक चानण बना रहे, हमेशा मैं इन्हों तो सेध ली है, मेरे लीडर भी है। पंजाब विधानसभा के ओपोजिशन लीडर जो सी मैं इन्हों एम एल ए रहा, इन्ह की मैं रहनुमाई देखी है। पंजाब हर जगह इन्ह की मांग है, मैं थोड़े इलाके तो भदौड़ तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, भदौड़ के लोग मांग करते हैं कि बीबी रजिंदर कौर पठण लेके आओ। कोशिश की थी हमेशा आ साडे वाला बघेला कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें हमेशा अकालिया नाल मिलके बीबी के खिलाफ साजिशा करिया, नुकसान किया हलका लहरे का, नुकसान किया मालवे का। बीबी किन्नी धड़क जरनैल है, ऐतकी बीबी जी कहते मैं ऐतकी मुंडे नूं लड़ाना है। मैं इन्हां नूं हाथ जोड़ के बेनती की कि सानूं थोड़ी लोड़ है, मालवे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत पिछड़ा पड़ा मालवे दे विच। आप अकेला कैप्टन अमरिंदर सिंह दस आ रहे हैं और उधर बादल रहे हैं, तो पता नहीं 25 साल राज कर गया, लेकिन मालवे की इन्होंने सार नहीं ली। मैं हमने हेलीकॉप्टर पर उतरिया, पार्टी ने भेजे, लेकिन हालात देख के रोना आ रहा सी कि इतने अत की गरीबी है, अजे भी सड़क का बुरा हाल है, अजे भी हर तरह की पिछड़ापन इतने देखने को मिल रहा। लेकिन सत्कारयोग वीरों अगली सरकार बीबी रजिंदर कौर पठण जी ने चलानी है। कैप्टन ने हर गल दे विच सट मारी है, तुहाडा कालेज इत्थे इक बंद पिया है, तनखाह वाजों लोग हड़ताल करते हैं, महकमा भी सी लेकिन पावर मुख्यमंत्री दे कोल हुंदी है, उसने इस नूं चलण नहीं दिता। लेकिन बीबी जी कहते परमात्मा भी प्रबल है, उदे कर देर नहीं है, देर नहीं है, देर हो सकती है देर नहीं है, लेकिन वो टाइम आ गया जद मुड़ तो तुसी बागडोर संभाल के मेरे नाल मिलके आ साडे भरा रकौल नूं नाल लेके इस एरिए की कायाकल्प करनी है। सो मैं थोड़ा एक वचन देना चाहता कि खाली कागज पर सैन कर दूंगा, ऊपर जो लिखना होया लिख लियो, सारी गल पूरिया हो। मैं खास तौर पर थोड़े मालवे में आया, बेनती करना कि मैं गोद ले लो, मुख्यमंत्री बन जाना है, थोड़ी कृपा के नाल इस इलाके ऊपर चुकना है, ये मैं तहिया करके आया, सोच के आया। सो मैं बेनती करना चाहता कि एक अंग्रेज आए सी जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज करिया, चिट्टे अंग्रेज बाहरों आके देश नूं लुट के ले गए, आज एक दिल्ली के अंग्रेज आ रहे हैं काले अंग्रेज जेड़े पंजाब नूं लुटना चाहते। केजरीवाल मैनू कहता, मैनू काला कहता है,
अगर चिट्टा कह दिता है तो अंग्रेजी आया तो बाहर जाइए साडा तो है नहीं। हरियाणे का रहने वाला है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, साडा हरियाणे के नाल पानिया का झगड़ा है, एस वाई एल ए कढ़नी चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के विच इन्हें एफीडेविट दिता है कि पंजाब का पानी दिल्ली और हरियाणे को दिता जाए, केस लड़ लिया साडे नाल, चंडीगढ़ का मसला साडा हरियाणे के नाल, साडा पंजाबी बोलते इलाके का इलाका हरियाणे के नाल, इसलिए जे इहदे पास ताकत आ गई ना पानी रहना है ना चंडीगढ़ आनी है ना पंजाबी बोलते इलाके रहने, इसलिए सत्कारयोग वीरो दिल्ली के बेचारे पंजाबी पढ़नी बंद करती है, सानू पराली वाले मुद्दे च बदनाम करी गया पंजाब नू कि पंजाब दे विच तां जिन्ना वातावरण दूषित हो रहा पंजाब दे किसान करदे पराली नू अग ला के, जबकि साडे विच हरियाणा भी पैंदा दिल्ली तों जाण नू, हरियाणे का नाम नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनक्वायरी कराई तो पता लग्या कि पंजाब का कोई पोल्यूशन नहीं जाता उत्थे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हू झाट पाई तू पंजाब नू बदनाम कर रहे, किसानों ने अंदोलन करिया दिल्ली च, एक दिन इन्हें उत्थे रैली नहीं करी, एक दिन उन्होंने नाल नहीं बैठिया, कोई मदद नहीं करी, उल्टा काले कानूनों नू दिल्ली दे विच इक्को एक विधानसभा ने हिंदुस्तान च लागू करिया, वो करिया दिल्ली की विधानसभा ने जिथे आम आदमी पार्टी का राज है, ये किसानों की ये पंजाब की दुश्मन जमात है, ये पंजाब नू लुटन आए हुए साडे कोल भी आउंदे है, यूपी के बंदे बिहारी आउंदे है, दिल्ली से आउंदे है, हरियाणे से आउंदे, साडे खेतों च काम करदे, साडियां दुकानों पर काम करदे, असी आदर मान दिंदे, लेकिन राज भाग नहीं दे सकते, राज भाग पंजाबियों का है, पंजाबी राज करनगे, 10,000 बंदा इन्होंने पंजाब दे विच छड्डिया होया, हर कैंडीडेट पर बंदे लाए हुए किसी की नहीं चलती, भगवंत मान के आले दुआले 10 बंदे छड्डे हुए इहदी कोई नहीं चलती, आ भगवंत मान है मैनू कहिंदा है, कहिंदा इहदा 170 करोड़ की आमदन प्रॉपर्टी है, मैं क्या यार इस तरह कर लै फिर तेरा घर और मेरा घर तो आपने अपने घर च रहना है, लेकिन जिहड़ी बाकी की जायदाद है तू अपने वाली मैनू दे दे, मेरे वाली 170 करोड़ की ले जा, और मैं भगवंत मान नू अज चैलेंज कर रहा कि अज आ जा, मैं धूरी चलिया तहसील के विच मेरे वाली प्रॉपर्टी नाम लिखा लै, कल नूं चमकौर साहब जाना है उत्थे दा टाइम दे दे, तहसील च आ जाऊंगा मेरे वाली नाम करा लवे अपनी मेरे नाम करा दे, मेरे कोल जिहड़ा मैं एफीडेविट दिता है घर मेरा खैड़ शहर च है, आमदन उत्ते कीमतां वध गईआं उहदे करके घर की ज़्यादा कीमत होगी, लेकिन 1,16,00,000 रुपया मेरी टोटल जायदाद है, और ये पता कि दस रहा अनपढ़ बाई है, ऊटा छाप है, 12वीं 3 साल लाए है, 169 करोड़ दसी जाता माता शेर उन्होंने पढ़ गया, तो मैं फिर कह रहा कि किसी तहसील में आ जा अपनी जायदाद मैं दे दे, मैं बैठे मेरे पास ज्यादा ले लिया, ऐसी गरीब घर जमे ना उपर छाती ना थले छाती, पढ़ लिख के जिन्नी तरक्की करी लोगों ने संभाल लिया, संत बिरती के नाल लोगों के घूमी लै, झूठे प्रचार हर टाइम करते रहते, जिस तरह हाँ जायदाद का करता पहला रेते का करता, लेकिन आपे फस के जाके गवर्नर को चिट्ठी देती कि चन्नी की इनक्वायरी कराई जाए, इन्होंने सोचा भी गवर्नर कहे करा होंगे बस 10 दिन कट दिए, गवर्नर ने करा ली इनक्वायरी,
कल क्लीन चिट देती है कि जी कोई चली का वो विरोध नहीं। आई डी का प्रचार करते मुंडे को 7 दिन पुलिस रिमांड में रखिया, लेकिन एक भी गल मेरे खिलाफ नहीं मिली। जे मेरे खिलाफ मिल जाती तो दिल्ली वाले ने मेरे पूरे परिवार को और मैं पुट्ठा कर देना। ये रलके दबने को फिरते हैं, लेकिन जिसको राके साइया मार सके ना कोई, लोग कि हो गए वो दबिया नहीं जा सकता। सत्कारयोग वीरो मैं थोनों बेनती करनी है, 3 महीने मिले है, 3 महीने के बीच ना आप सुता है ना अफसर सौन दिता है, हर मसले का हल करे। बिजली के बकाए थोड़े 1500 करोड़ रुपया माफ किया है, आम लोगों के घर गया बकाए माफ हुए है। बिजली 3 रुपए सस्ती करती है, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया है, डीजल 5 रुपए सस्ता किया है, पानी के बिलों के बकाए थोड़े माफ करते, तुसी हुण कोई बकाया नहीं देना। कानून बनाता है अगे नू पानी 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये तुसी जमा कराए करने, इस तो ज़्यादा कोई नहीं।